देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और आज रविवार को पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए और पहली बार 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 48 मरीजों की मौत भी हो गई है, जो कि 14 दिसंबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 10,774 नए केस सामने आए हैं। ऐसे में यहां संक्रमण दर 9.43% हो गई है। वहीं राजधानी में 5,500 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं और इसके अलावा 5,705 हॉटस्पॉट का आंकड़ा पहुंच गया है। इस दौरान 48 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इससे पहले 14 दिसंबर को 60 मौतें हुई थीं। ऐसे में दिल्ली में मौत का कुल आंकड़ा 11,283 पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 34,341 तक पहुंच गई है। 29 नवंबर 2020 के बाद से ये दिल्ली में सबसे बड़ी संख्या है। बता दें कि 29 नवंबर को 35,091 सक्रिय मरीज थे। वहीं यहां होम आइसोलेशन का आंकड़ा भी बढ़ गया है, अब ये आंकड़ा 17,000 पार है, 17,093 हो चुका है। बीते 3 दिसंबर 2020 को होम आइसोलेशन में 17,790 मरीज थे। ऐसे में सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 4.73% हो गई है। 5 दिसंबर 2020 को सक्रिय मरीजों की दर 5.23% थी।